दुकान। अभी मैं पहचान बताता हूँ कि आपको फ्रेश मच्छी की पहचान क्या होती है। देखो ये बिल्कुल सारी फ्रेश मच्छी है इनकी। ये देखें आंखें एक चमक रही है। ये देखो ये अभी हिल रही है। देखो ये अभी हिल रही है। देखो ये हिली। समझ रहे हो ना, ये हिल रही है मतलब इसमें मूवमेंट भी है। तो इससे अंदाजा लगा लेंगे कितनी फ्रेश मच्छी है। ये देखो ये इसने उठाई, अभी हिल रही नहीं है। ये देखो ये पर देखे हिल रहा है इसका। ये देखो मतलब इससे पहचान देख लो कि आप फ्रेश मच्छी। तो कभी भी आओ इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ्रेश मच्छी मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग के साथ आप सबको मैं खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब, और इसके साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इस ब्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलते हैं और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह हो चुकी है, हमारी आँखें खुल चुकी हैं और मॉर्निंग का आगाज़ आपको पता है कि जब तक हम अपने बंदे को ना देखें। ये देखें ये अभी फ़िलहाल माल ले रहे हैं, तो ये माल से फ्री होता है फिर गुफ्तगू करते हैं। और बाकी दूसरी बात ये है कि वो जो हमारे वसीम भाई थे वो उनके एक तबलीगी भाई हैं, उनका निकला है, उनका नहीं निकला। वसीम भाई का कुछ मैंने मैसेज देखे और मुझे लोग बोल रहे कि शायद उनका निकला, उनका नहीं निकला। वो बता रहे थे कि हमारे साथ जो हमारे तबलीगी भाई हैं उनका रेडियो में से सोना निकला है, उनका नहीं निकला। तो आप ये मत समझें कि वसीम भाई का निकला, वसीम भाई का नहीं, उनके साथ जो भाई है उनका निकला है। वो करते हैं अपने बाल बाल सही हैं और फिर चलते हैं अपनी रूटीन करते हैं। सही है भाई, बाल माल तो सही है। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमारे बाल काटे थे। ये वाले पहले हमारे दूसरे उस्ताद थे लेकिन वो गांव चले गए, लेकिन अभी ये उस्ताद है, उस्ताद ने हमारे बाल काटे थे। बाल तो हो गए, अभी भी आई अभी छोटी कटिंग कराई है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो बढ़ने की वजह से ये है कि अब वो घूम रहे थे, इसीलिए हमने काट दिए। हमने बोला कि छोटे रखते हैं, और छोटे से है कि थोड़ी बुनियाद भी जो उनकी मजबूती होती है वो भी सही रहती है, मजबूत रहते हैं, और उसके साथ ये है कि स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। तो छोटे बाल आप भी रखा करें, अगर बड़े हैं तो आपके मजबूत हैं तो आप ज़रूर बड़े रखें। कोई खेलने वाला ना हो तो भाई अकेले ही खेलता पड़ा है बॉल के साथ, कोई यही नहीं है। देखो पढ़ाई है सवारा या जा रही है, अभी पढ़ाई है, जा रही है, अभी जा रही है, हाँ अभी जा रही है सवारा पढ़ने। देखे भाग रही है, अभी किधर भाग रही है। ये देखो भाई अकेले में ही लगा हुआ, मैच भी खत्म होने पर, पाकिस्तान का मैच भी नहीं है कि वो देखे। और अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोई टीम आने वाली है, शायद इंग्लैंड आ रही है, जो कोई ना कोई अभी टीम आएगी तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो क्रिकेट का रुझान है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी टीम आएगी पाकिस्तान में अभी? टीम को मारो गोली। ये देखो नया चीज़ आया मिस्टर नटर। मिस्टर नटर क्या होता है इसमें? दिखाओ जरा। ये पीनट है और उस पर चॉकलेट की कोटिंग हुई हुई है, आपको दिखाते हैं। दिखाओ जरा। ये देखो ये हमने चॉकलेट हटाया, ये देखो अंदर से पीनट निकल आया। मतलब अंदर मूंगफली होती है। उर्दू में समझाओ ना, हर किसी को तो नहीं पता नहीं कि पीनट क्या है, अंदर मूंगफली है भाई। ये देखो ये ऊपर से हटाओ, लेकिन ये कवर इन्होंने लगा दिया। कवर से 120 रुपए की है। कितने? सिर्फ 20 रुपए की। सिर्फ 120 रुपए। 120 नहीं, सिर्फ 20 रुपए। बंदे तो नहीं है कि नहीं नजर आ रहा। और ये देखो आ गया इसके ऊपर। ये देखो अभी चीज लेने आ गई। क्या ले रही है अभी? हमारे को क्या लेके देगी ये बताओ? आए तो हमारे को जावेद कुछ लेके दे यार, हमारा काम बनता है इसको दिलाना। अरे नहीं यार, ये तो आज बस इतनी तो बबलिंग खा रही है, हमने को जूस वूस पिए की ताकतवर चीज है भाई। तला के ले, अरे हमने मिठू पाल लिया ना। अरे ये तो जबरदस्त है, ये बैठ जाता हमारे पे। बैठाओ, बैठते हाथ पे, काटता तो नहीं। ये देखो आ जा, नहीं आ रहा। अरे हमारे पास तो आ नहीं रहा, लेकिन इसकी गर्दन पे चढ़ा हुआ। लाओ ये भाई हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास। लाओ भाई, भाई मिठू बैठ गया हमारे साथ, हमारे यहाँ अभी हमारे कंधे पे आ रहा। आ जाओ उस्ताद, कंधे पे, कंधे पे आ जा। आएगा कंधे पे? ये अभी कंधे पे ही नहीं आ रहा। अरे अवेश ये तो कंधे पे ही नहीं चढ़ रहा यार। कुत्ता या तोता? आ जाओ भाई, अभी मिठू बोल रहे, बोलता है नहीं ये। अवे बोलता है नहीं, ये बोलता नहीं है भाई, लेकिन चढ़ते ही है खाली। ये रहा, आ जाओ। ए स्लो स्लो ही ऊपर चढ़ रहा है, और ये कंधे पे आगे बैठ गया, बैठ गया भाई कंधे पे हमारे। देखो ये उसको कवर भी आगे देख रहे हैं हमारे साथ, हिल गया, ऐसा लग रहा है कि हमने बाला हुआ है। ले जाए हम, ले जाओ भैया बोल रहे, ले जाओ। अगर आपको चाहिए तो बताओ, ये मैं आपको दे दूंगा। दे दें भाई किसी को चाहिए, बस फ्री में बोला, फ्री में जिसको चाहिए फ्री में ले जाए। अद्दू का भाई है तो आपको पता है कि फ्री की कोई चीज़ नहीं है देता। बाकी कंधे पे बैठा हुआ हमारे। देखो अच्छा ऐसे रहे, अभी नहीं उड़ता चाचा, अभी भी बैठा हुआ। देखो ना बिल्ली नहीं, अभी भी चाचा नहीं उड़ता। ये हम लोग पर इसके काट देते चाचा,
सही है चाचा, चाचा बोल रहे इसके पर बढ़ने दो, पर इसका मतलब है कि ये भाग जाता है, तो हम लोग इसके पर बड़े ही नहीं होने देंगे ताकि ये भाग सके। भाई अभी सर के ऊपर चढ़ गया, पहले कंधे पे बैठा था, अब हमारे सर के ऊपर चढ़ गया, देखो इसके मजे लगे हैं। लेकिन ये कि अगर ये जब बड़ा हो जाए ना तो फिर क्या करने के लिए तैयार है, तैयार है भाई। दरअसल तोता है ना ये, इसमें वफा नहीं होती, आप जितना मर्जी इसका वफा कर ले, अगर इसके पर आ जाए तो उड़ जाता है, लेकिन अगर जब आपने पाला हो तो बोलता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन इसमें वफा नहीं होती। छोड़ो जैसे इसमें वफा नहीं है, तुम्हें भी वफा नहीं है ना, ये तो वफा भी नहीं है, ऐसे इसमें भी नहीं है। तो सब्सक्राइब तो किया हुआ, तुम जाके कराओ, हमने किया हुआ। ये इसने उतार लिया और ये उतर बिल्ली के पास डायरेक्ट पहुंच गया, सर से उतारा लेकिन बचत हो गई। ले जाओ भाई इसको, सर्दी हो चुकी है स्टार्ट, तो सर्दी में हम लोग मच्छी ना खाएं, आपको बताया था कि अभी रूटीन स्टार्ट होगी और डेली मच्छी बकरा ये चीज़ें खाई जाएंगी, तो हम लोग आए हैं आज मच्छी लेने के लिए, लेकिन आज हम लोग घर लेके जाएंगे, यहाँ पर नहीं खाएंगे मच्छी। कभी भी आपने लेनी हो तो ये सामने देख लो फारूक भाई, इसकी शक्ल देख लो, ये बिल्कुल कोने पर दुकान है। अभी मैं पहचान बताता हूँ कि आपको फ्रेश मच्छी की पहचान क्या होती है। देखो ये बिल्कुल सारी फ्रेश मच्छी है इनकी, ये देखें आँखें एक चमक रही है, ये देखो ये अभी हिल रही है, देखो ये अभी हिल रही है, देखो ये हिली ये हिल रही है, मतलब इसमें मूवमेंट भी है, तो इससे अंदाजा लगा लेंगे कितनी फ्रेश मच्छी है। ये देखो ये इसने उठाई, अभी हिल रही नहीं है, ये देखो ये पर देखे हिल रहा है इसका, ये देखो मतलब इससे पहचान देख लो कि आप फ्रेश मच्छी, तो कभी भी आओ इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ्रेश मच्छी मिलेगी खाने के लिए है। अरे ये मछली है ये कोई और चीज़ है, ये देखो सारी धनिया का पूरा टाल पड़ा हुआ है, तो ये सब फ्रेश मच्छी है, तो कभी भी आओ तो फारूक भाई के पास और ले लो। और ये देखो हमारे काका जावेद के अबू, ये भी फ्रेश मच्छी लेके अंदर बैठे हुए कटने की बारी का इंतजार कर रहे हैं, काका अंदर तुम लोगों ने भी लिए कट रही अंदर, इसीलिए बैठे हुए। मच्छी आई भी थी, हमने बोला अपने लिए भी ले लेते हैं, ये देखो ताज़ी मच्छी आई भी थी तो इन्होंने भी ताज़ा लिया, तो आप जब भी आए तो यहाँ से ली, झींगा भी मिलता है, उस दिन भी हम लोगों ने जो ली थी यहीं से ली थी और फिर जाके राशिद से बनवाई। ये देखो मच्छी ले लिया काका, मच्छी ले लिए, हाँ कैसा है मच्छी, फ्रेश है माशाल्लाह, माशाल्लाह मच्छी कितने लिए, 7-8 किलो ली, 7 किलो ना ले लिए, 2 किलो हमने ले लिए, लेकिन मच्छी ताज़ी थी तो चाचा ने बोला सारी खरीद लो, काका ने बोला रहने देते हैं कुछ बाद में आके खरीद लेंगे, तो इंशाल्लाह अभी आते रहेंगे, आपको पता सर्दी आ गई है तो 1-2-3 हफ्ते बाद इंशाल्लाह आएंगे और मच्छी लिया करेंगे, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है, तो जितनी ले लिए। और मच्छी अभी भी देखे तड़प रही है, तड़पने वाली कहाँ गई, ये रही है गिसर का छोटा पीस है, बाकी बड़ा पीस भी पड़े हैं वो देखें, इसके बड़े पीस हैं, ये गिसर के बड़े पीस है और ये पड़ी हुई है धंधिया, तो अभी लेते हैं यहाँ से, हमारी कटाई हो रही है पीछे, काका ने तो अपनी काट लिया और हमारी पता नहीं पीछे कटी है जल्दी, ये आपकी हमारी है, ये इनकी हमारी पीछे लगता कट रही है अभी, और यहाँ पर होती है कटाई, ये देखें अब ये काट रहे हैं मच्छी, आपको मैं दिखाता हूँ कि कटिंग कैसी होती है। देखें पहले उसके ऊपर से जो छिलका होता है ये उतरते हैं, छिलका उतारते हैं, उसके बाद इसकी जो ये फेफड़े वगैरह ये जो होते हैं ये सारी भाई ने निकाल दी, इसके बाद भी मारेगा कट, ये भाई ये आगे कट और ये हो रही है कटिंग, कट 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 कट, ये ऐसी कटिंग होगी सारी, पर हमारी मच्छी हो जाएगी रेडी, आधी चली गई थैली में और आधी अभी भाई और डाल रहे, ये थैली में जा रहे पीस बना लिए, इंशाल्लाह इसके घर पे सालन बनाएंगे या फ्राई करेंगे, जैसे घर वाले बनाएंगे वैसे, बाकी मच्छी फ्राई थी तो इसलिए हमने बोला 2 किलो हम लोग भी ले लें, मच्छी लेके आ गए और मच्छी घर पे भी चली गई, और मेरे ख्याल से इन्होंने पका के खा भी ली, पका के खा लिए, ये नहीं कि तुम हमारे लिए थोड़ी ले आए यार, 7 किलो मच्छी था, आपके लिए लाऊंगा, कब लाएगा, कितनी रखी हुई है, 4-5 पीस, तो कल एक काम करना तुम बना के हमारे लिए लेना, ठीक है, कल तुमने देने हैं, ये ब्लॉग में तुम बोल रहे कल लेके आएगा, सामने होटल पे बैठेंगे और खाएंगे, सही है बिल्कुल, फ्रेश मच्छी थी, फ्रेश मच्छी, मच्छी आप लाओ और सही नहीं है, ये तो बात अलग, हम लेके जाए इनको साथ, इसके वालिद को और जावेद को हम साथ लेके गए तो फ्रेश मच्छी इनको दिलाई, जो वहाँ से मैंने आपको खाने में भी मजा आया फारूक भाई की शो पे, आपने भी कभी लेना हो तो आप इनकी दुकान पे जाएंगे, उनको बताएंगे कि मैं यासिर के रेफरेंस से आऊँ, मेरा नाम लेके बताएंगे कि राजा यासिर ब्लॉगर ने आपकी शॉप बताई थी, तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, और आपने दोस्तों वगैरह को भी बताना है कि जब भी आप मछली लेने तो फारूक भाई के पास जाए, इंशाल्लाह आपको फ्रेश मच्छी देंगे। अब मेरे सामने वो मच्छी आई जो डूले पे डेली बेसिक पे जाते हैं वो लेके आए और उसने उतारी और हमने फ्रेश ले लिया, देखो फ्रेश मच्छी खा के, हाँ मच्छी कैसा था, मच्छी कैसा था बहुत अच्छी थी, जबरदस्त है, सबको बताओ कि कोई भी आओ तो फारूक भाई से ले, बिल्कुल अच्छी मच्छी थी, ताजी मच्छी थी, हमने बहुत मजा आया, अभी कल बना के हम खाएंगे तो पता चले, मेरे को भी दोगे एक पीस, इंशाल्लाह एक पीस मेरे को देंगे, देख ले भाई इसने भी बोल दिया और तुमने भी बोल दिया, 5 पीस हो गए, ठीक है भाई ठीक है। ये देखो माशाल्लाह भाई, देखो मेरे सारे सपोर्टर बैठे हैं ब्लॉग देख रहे हैं, पहले तो हमारा तला कौन सा ब्लॉग देख रहे हैं, ये देखो ये भाई हमारा ईद वाला ब्लॉग देख रहे हैं, उसके साजिद भाई आप भी हमारा ब्लॉग देख रहे हो, बताओ जरा, देख रहे दिखाओ इधर जरा,
ये आपकी स्माइल दिखा रही है कि आप कुछ और कर रहे हो, ये तो नहीं है। लेकिन बिलाल बिलाल भी चले लगे, नेट सही नहीं चल रहा, बाकी तला का नेट सही चल रहा है। बहुत अच्छी वीडियो है, आप भी देखो औरों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब। आप तो करते हो ना? मैं तो बेशक। भाई साजिद भाई नेट काम करने लग गया और आ गया। साजिद भाई देख रहे हो कौन सा वाला? मैं सोने वाला देख रहा हूँ, अमीर साहब कैसा टरका रहे। अरे ये अमीर साहब वाला कल वाला जो उसने बताया था कि कल उसने बताया था कि किसी का सोना निकल आया रेडियो में। और ये बिलाल भी देखो देख रहा पड़ा, ये कल वाला बहुत रेडियो कोशिश मोशिश किया, रेडियो मेडियो का थोड़े मार हो गया, अगर कुछ मिल गया तो। भाई सारे बोला हम लोग रेडियो वगैरह को मार रहे थे, थोड़े मार रहे थे। रोड पे चलते हुए आगे पीछे देख रहा था क्या पता कुछ मिल जाएगा, तुमको भी तुम्हारे नसीब में मिल जाएगा। एक और हमारा सब्सक्राइबर भाई आगे। हाँ भाई एक्सरसाइज वगैरह करके आ गए? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तुम ठीक है? आप सुनो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आज के व्लॉग की करते हैं, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ 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 प्लीज, आपने इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज़ भी बढ़े। तो कल मुलाकात होगी एक और न्यू व्लॉग के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।